नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल कर्मी में। राजस्थान अधीन रेशन बोर्ड ने कल विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया, उसमें एक जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उनके लिए भी जो परीक्षा तिथि और परिणाम की तिथि वो घोषित कर रही है। 27 जुलाई को आपका 27 जुलाई 2025 को आपकी परीक्षा होगी और 27 अक्टूबर 2025 को इसका परिणाम आ जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी बार बार ये पूछ रहे हैं कि अभी भी संशय में हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो सबसे पहला मैं यही आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़नी है। टेक्स्ट बुक कौन सी, जैसे DLIS, BLIS और MLIS की टेक्स्ट बुक पढ़ती है। मैं ये आपको पढ़ने ही है, मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि एक आपको उदाहरण मैं आपको बताऊँ। वैसे आपको सबको पता ही है कि जो RS IS की जो तैयारी करते हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि जैसे RS वालों को सलाह आपके NCERT और राजस्थान बोर्ड की किताबों को किससे तैयारी करें, उनसे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर। IS वालों को भी ये बताया जाता है आप NCERT से अपनी जो नींव है वो मजबूत। ऐसा क्यों बताया जाता है, क्योंकि इन सभी का आधार यही है। उसके बाद आप जो भी रेफरेंस बुक है या किसी प्रमाणिक बुक को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे जो यूनिवर्सिटी की किताबों को तवज्जो ही नहीं देते। अब ये वीडियो आप देख लेना, ये रिकॉर्ड जब इसका पेपर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सवाल है DLIS की या BLIS की MLIS की किताब में से कहाँ से ये उठाया, क्योंकि ये चीज़ें मैं बार बार बताता रहा, लोग नहीं समझते। बाजार से किताबें खरीद ली, हालांकि बाजार से किताब लेना कोई वो बात नहीं है, लेकिन हमारे पास जो चीज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ से सारी चीज़ें आती है, वहाँ से अच्छी लैंग्वेज सरल लैंग्वेज नोट्स टाइप चीज़ें बताई हुई है और वो तो आपको पढ़नी है। और यदि आपने बुक्स नहीं ले रखी तो आप PDF डाउनलोड करके फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे और भी PDF आप पढ़ते हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो अब आपको और बताऊंगा कि इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइब्रेरी साइंस के लिए जो सबसे ज़्यादा किताबें जिनकी पढ़ी जाती है वो है डॉक्टर अमित किशोर, उनकी ये एक किताब है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सैद्धांतिक अवधारणात्मक आयाम एक संपूर्ण स्वाध्याय मार्गदर्शिका। ये छोटे मतलब थर्ड ग्रेड से लेकर UGC नेट तक सारा इसमें मैटर दिया हुआ है। तो इसमें कोई चीज़ पीछे नहीं रहती, ये दो भाग में, ये जैसे भाग आपको दिख रहा है कि ये भाग जो है भाग फर्स्ट है और इसका सेकंड भाग भी है, वो आगे में मतलब ये भाग इसका फर्स्ट है और ये जो दूसरा भाग है ये सेकंड है। इसमें लाइब्रेरी साइंस सारा ये जो मैटर है वो इसमें आ जाता है, आप इसको आप पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादातर वही लोग खरीदें जो फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उनके पास फुल टाइम है। ऐसे भी जो लोग होंगे जो जॉब के साथ तैयारी करते हैं वो इन दो अच्छी किताबों को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, हालांकि उनका टाइम मैनेजमेंट क्या ये उनके ऊपर है। यदि टाइम मैनेजमेंट बनता है ये दो किताब आप आराम से ले सकते हो। उसके बाद दूसरे एक लेखक आते हैं मंजीत भादु। जो मंजीत भादु की ये किताब है ये अभी 23-24 अब 24-25 की होगी, 7वां संस्करण बाज़ार में उपलब्ध है। ये डॉक्टर मंजीत भादु ये इनका नाम है, इनकी किताब भी बहुत अच्छी है, ये थोड़ा शॉर्ट है, आप शॉर्ट भी इनको पढ़ सकते हैं। इनकी भी किताब बहुत अच्छी है, आप ये किताब आराम से पढ़ सकते, ये थोड़ा नोट्स टाइप है, थोड़ा उनसे शॉर्ट में किया हुआ और है अच्छी, कंटेंट इनका बहुत अच्छा है और इस किताब से बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये राजस्थान अधीन बोर्ड KBS NEBS BR सभी में ये सवाल आ जाते हैं। और उसके बाद एक और जो किताब डॉक्टर अमित किशोर की है, जो एक बीच में जो पुस्तकालय सूचना संगठन पुनः प्राप्ति के लिए विशेष करी किताब है, जो ये दो टाइप में, एक ये जो थ्योरिकली है और इसका दूसरा जो भाग है ये ऑब्जेक्टिव है। अब ये किताब भी आप ले सकते हो क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे सवाल, और जो ऊपर वाली किताब में थोड़ा सा शॉर्ट है और इसमें जो वो टॉपिक पूरा थोड़ा डिटेल में आपको बताया गया है। डॉक्टर अमित किशोर की दो और किताबें फेमस है जो 5500+ प्रश्नोत्तर को दिया हुआ, एक में तो जो विभिन्न प्रश्न है और दूसरे में जो विभिन्न प्रकार की जो लाइब्रेरियन भर्तियों की जो पेपर है आप यहाँ से देख सकते हो, ये विभिन्न प्रकार की जो लाइब्रेरियन है वहाँ से उसमें जो सवाल उठे हुए हैं वो सारे इसमें ये दिए हुए हैं। ठीक, ये 5500 की दो सेट है। ये अगर यदि आप मान लो नहीं लेना चाहते तो एक और मैं किताब आपको सजेस्ट करूँगा, YCT यूथ कॉम्पिटिशन टाइप्स। इसमें क्या है कि जो सवाल दिए हुए वो चैप्टर वाइज दिए हुए, क्या है चैप्टर, जैसे पहला कोई चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद ये इसका ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में कौन कौन से सवाल विभिन्न परीक्षाएँ जो आयोजित की गई है उनमें से आए हैं। अब ये आप यहाँ से देख सकते, भारतवर्ष में जितने भी जो परीक्षा उनमें जो सवाल आए हैं वो सारे इसमें दिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ये किताब आप जरूर पढ़ें, इसमें लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। ये आपको भी मार्केट में या ऑनलाइन आपको वाई सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके अलावा एक बहुत और एक और अच्छी किताब है वाई सिटी की, ये दो नंबर की अभी 3.0 भी आ गई है, लेटेस्ट लॉन्च हो चुकी है, आप उसको भी ले सकते हो। इसमें भी अच्छे, इसमें लगभग 118 प्लस है, उसमें अभी जो नई है ये लगभग 130 प्लस पुराने वर्षों के पेपर जो प्रश्न है 10000 प्लस उसमें थे, और इसमें लगभग 12000 या प्लस कुछ अभी लेटेस्ट जो जारी हुई है, आप वो ले लेना, सेकंड नहीं लेना, क्योंकि वो नई जारी हो चुकी है। तो ये जाहिर साइंस के लिए पढ़ने के लिए सेकंड पेपर है उनके लिए ये किताबें हैं, और फर्स्ट पेपर के लिए मैं कोशिश करूँगा जल्दी उसका मैं वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, और आप आराम से बढ़िया तैयारी करें। एकदम मैंने बताया कि ये किताबें हैं, बाकी इसके अलावा भी आपको लगता है किसी के लेखक की है तो आप वो ले सकते हैं, आपका अपना ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है। और तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।